Namaskar dosto. This is Dr. Dhananjay Gupta, Director of Orthopaedics and Joint Surgeries at Fortis Hospital, Vasant Kunj. Surgeries orthopaedics mein do type ki hoti hain, elective and emergency. Emergency surgeries ya to jaan bachane ke liye, haath ya paon bachane ke liye ya aapko jaldi wapas activity level aapka lane ke liye. Elective surgeries वो होती हैं जिसमें कि हमारे पास एक हफ्ते से लेकर एक महीने तक का समय होता है उसके अंदर आपकी बॉडी को हम लोग ऑप्टिमाइज करवाते हैं और प्लान सर्जरी करते हैं जिसका जो आउटकम होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है लेकिन बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो कि ओपिनियन लेने के बाद टाइम लेने के बाद भी वापस नहीं आते हैं सर्जरी के लिए उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये वेट करना आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि जैसे स्पाइन के पेशेंट्स हैं उनकी नस के ऊपर दबाव है अगर वो सिचुएशन हम लोगों ने टाइमली रेक्टिफाई नहीं किया दबाव दूर नहीं किया तो हो सकता है कि उनको ब्लैडर बॉबल इन्वॉल्वमेंट हो जाए उनका पॉटी और यूरिन को पास करने में दिक्कत हो जाए पैरालिसिस हो जाए उनको ऐसे में इमरजेंसी आने के बाद अगर हम लोग ऑपरेट करेंगे तो आप मान के चलें कि जो आउटकम है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा स्पोर्ट्स इंजरी के पेशेंट्स आते हैं हम लोगों के पास लिगामेंट टूट गया है सर्जरी एडवाइस करते हैं लेकिन वो डर के मारे या किसी कारण से घूमते रहते हैं अवॉइड करते हैं अगर घुटना आपका अनस्टेबल है तो वो बार बार लचक खाएगा उसके कारण घुटने के अंदर जो और लिगामेंट्स हैं कार्टिलेज हैं मेनिस्कस हैं उनमें चोट लगेगी वो भी फट सकते हैं और आपका जो घुटना है वो जल्दी आर्थराइटिक हो सकता है पेशेंट्स हमारे पास घुटनों की प्रॉब्लम से आते हैं जो कि नहीं चल पा रहे हैं एक्टिविटी लेवल काफी कम है उनको भी हम लोग सर्जरी का समय देते हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए एक्सरसाइज करने के लिए लेकिन अगर उस समय पे सर्जरी ना हो वेट करते रहें टालते रहें तो धीरे धीरे आपका हड्डियां मसल्स हार्ट लंग्स सब कमजोर पड़ जाते हैं और जब कमजोरी के बाद अगर आप ऑपरेट कराते हैं तो रिकवरी में आपको समय ज्यादा लगता है और कई बार रिकवरी हमारी पूरी ठीक से हो भी नहीं पाती है इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो भी आपके शक हैं डर हैं आप सर्जरी के डॉक्टर के साथ उसी समय बैठ के उसे दूर करें और सर्जरी का टाइम लेके समय पर आए ऑपरेट कराएं ये सबके हित में रहेगा नमस्कार